आइए बात करते हैं कि अमावस्या या पूर्णिमा में क्या स्थिति रहती है मेष राशि वालों की। तो देखिए मेष राशि वालों की जो स्थिति है अमावस्या या पूर्णिमा की बात अगर करें तो अमावस्या में अगर जन्म हुआ है मेष राशि का, शास्त्र ये कहता है कि अमावस्या के दिन अगर मेष राशि के किसी जातक जातिका का जन्म हुआ है तो उनके लिए कुछ परेशानियां लेकर के आता है। हालांकि ये परेशानी बड़ी नहीं होती है लेकिन कुछ हद तक रहती है जो कि सॉर्ट आउट हो सकती है। और पूर्णिमा का फायदा इनको मिलता है अगर पूर्णिमा में जन्म हो मेष राशि के किसी जातक का, क्योंकि ये चतुर्थ अधिपति चंद्रमा से रिलेट करता है तो चंद्रमा इनके पक्ष में रहता है तो ये इनके लिए बहुत ही फायदा करता है, अच्छा करता है। अमावस्या और पूर्णिमा की बातें आती हैं अगर इन पर लागू होने की, तो जी हाँ अमावस्या का कुछ हद तक प्रभाव इन पर पड़ता है अगर इनका जन्म अमावस्या में हुआ है तब, और पूर्णिमा के दिन अगर इनका जन्म हुआ है तो बहुत ज्यादा सफल होते हैं। इनका सफलता का मापदंड आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि ऐसे लोग नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े फिगर होते हैं। तो समझ ही रहे हैं आप, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर सिंह राशि वालों का जन्म हुआ है, उस वक्त हुआ है, तब जाकर स्थिति कुछ हद तक इनके लिए शोचनीय होती है। अदरवाइज नहीं तो ये स्थिति इनके लिए अच्छी ही होती है, क्योंकि पराक्रमी तो नैसर्गिक रूप से ये होते ही हैं और आत्मबल या साहस इनमें रहता ही है, तो कुल मिलाकर के इनको परेशानी कुछ नहीं होती। हालांकि अमावस्या में जन्म होने पर कुछ हद तक ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों में विरक्ति या क्रोध कुछ अधिक मात्रा में ही पाया जाता है, लेकिन दूसरे पक्ष में अगर देखें तो अगर अमावस्या पूर्णिमा के दिन अगर जन्म हुआ है तो देवतुल्य लोगों की कृपा इन पर होती है और देवता की विशेष कृपा होने की वजह से ये जिंदगी में काफी सफल होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा का बेसिकली इन राशि पर प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो अमावस्या जो है वो तिथि जो है ये ऐसे लोग अगर पालन करते हैं, माँ काली का पूजन करते हैं तो इनको फायदा मिलेगा, और पूर्णिमा के दिन भी अगर ये विष्णु पूजन करते हैं या फिर नारायण पूजा घर में करवाते हैं तो इसका फायदा इनको मिलता है। तो अमावस्या या जो ये पूर्णिमा तिथि जो आती है तो ये तुला राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छा संकेत है। क्यों संकेत अच्छा है कि अमावस्या के दिन अगर ऐसे लोग उपवास रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर माँ काली की पूजा करवा ले घर में तो बेहतरीन है, और नहीं तो उपवास अगर रखें, मैं नहीं कहता कि निर्जला उपवास आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर उपवास रखते हैं तो इसका एक एडवांटेज है। और पूर्णिमा के दिन आप विष्णु पूजा या फिर जो कहें आप नारायण पूजा करवा लेना बहुत ही फायदेमंद होता है इनके लिए। अगर अमावस्या पूर्णिमा की बात की जाए इनके राशि के लोगों के पर प्रभाव, तो जी हाँ इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे राशि वाले लोगों को माँ काली का पूजन करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर कहा जाता है। अगर ये खुद नहीं कर पाते हैं तो इनकी माताओं को ये कहा जाता है कि वो भी इनके नाम पर अगर पूजा कहीं दे दे माँ काली के नाम पर तो भी इनके लिए फायदा करेगा। बात अगर आती है कि धनुराशि के लिए अमावस्या या पूर्णिमा का क्या प्रभाव होता है, तो अमावस्या या पूर्णिमा का प्रभाव इन पर व्यापक तौर पर तो नहीं पड़ता लेकिन आंशिक तौर पर जरूर पड़ता है। तो इनको भी चाहिए कि ये माँ काली का पूजन करें, और अगर उपवास रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, तो इससे इसमें फायदा मिलता है इन्हें। अगर अमावस्या पूर्णिमा का इम्पैक्ट के बारे में बात की जाए तो इसका इम्पैक्ट इन पर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि शनि की राशि है तो अमावस्या कुछ खास असर नहीं पड़ता। फिर भी शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर ये माँ काली का पूजन करें तो इनके लिए अच्छा होगा। अमावस्या या पूर्णिमा की बात की जाए इन पर प्रभाव की, तो चाहे इनका जन्म अमावस्या में हो या पूर्णिमा में क्यों ना हो, इनको कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। पूर्णिमा में जन्म हो तो पूर्णिमा के अच्छे यानी चंद्रमा का जो बल है वो इनको प्राप्त होता है, तो आत्मबल सूर्य को माना जाता है कारक और चंद्रमा को मन की शक्ति का, तो मन की शक्ति के धनी तो ये होते ही है। कठिन परिस्थितियों से जूझने की ताकत इनमें होती है, क्योंकि अमृत पान किया हुआ राशि है तो जितने भी कठिन परिस्थिति में इनको डाल क्यों ना दें आप, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति में कुंभ राशि वाले पड़ते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति से लड़ने और जूझने की क्षमता इनमें है। रही बात अमावस्या पूर्णिमा की, तो अमावस्या या पूर्णिमा का प्रभाव इन पर पड़ता है, चूंकि ये द्वैत राशि है और मीन राशि में इसका प्रभाव पड़ता है, चूंकि काल पुरुष में द्वादश स्थान है यानी 12th पोजीशन है इसका,
तो द्वादश भाव में होने के वजह से इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ करके समस्या आती है और अमावस्या या पूर्णिमा का प्रभाव इन पर व्यापक तौर पर पड़ता है। यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी ये लोग प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए क्या कि माँ काली का पूजन करें या माँ काली की पूजा घर में करवाएं और अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन अगर उपवास रखते हैं किसी एक दिन भी तो ये उनके लिए काफी अच्छा होता है। उपवास का मतलब मैं नहीं कहता कि आप जल भी मत पीजिए, उपवास का मतलब यहाँ पर तात्पर्य ये है कि अगर वो फल खाकर भी दिन भर रहते हैं तो ये उनके लिए काफी फायदा करेगा। बात आती है अमावस्या और पूर्णिमा तिथि की, इनके ऊपर इम्पैक्ट की। तो जी हाँ, चूंकि चर राशि है और चर राशि होने की वजह से इन पर अमावस्या या पूर्णिमा दोनों का प्रभाव व्यापक तौर पर पड़ता है, जिस वजह से इनको चाहिए उस दिन अमावस्या की रात हो तो उस दिन अगर वो उपवास रखे अगर या फिर फल खाएं तो ये उनके लिए काफी फायदा करेगा। मिथुन राशि का जन्म अगर इन दिनों में होता है तो इनके लिए प्रभाव जरूर लेकर के आता है, अच्छा और बुरा दोनों। तो ऐसे दिनों में ये सावधान रहें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजा करें, पूजन करें। ये एक विधि होती है, उसको जान लेना आवश्यक है किसी भी पंडित से कि क्या सही विधि होती है। और अगर अमावस्या का दिन है तो माँ काली का पूजन करें तो इससे वो समस्या का समाधान इनको प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार।